हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अमर मणि त्रिपाठी के बेटे और महाराजगंज जिले की नौतनवा सीट से विधायक अमन मणि त्रिपाठी पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा है। आरोप है कि अमन मणि त्रिपाठी ने सीएम योगी के पिता के अंतिम संस्कार से बात की प्रक्रिया निभाने के नाम पर पास बनवाया और 11 लोगों को अपने साथ लेकर निकल पड़े। अमन मणि त्रिपाठी को बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने की इजाजत दी गई थी। रास्ते में एसडीएम वैभव गुप्ता ने चमोली से अमन मणि को वापस लौटा दिया। लौटते वक्त ऋषिकेश में अमन मणि को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि 2 घंटे बाद ही निजी मुचलके पर वो छूट गए। तो ये उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा जो विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने किया है। योगी आदित्यनाथ के पिता का पिछले दिनों निधन हुआ था। योगी आदित्यनाथ के पिता के अंतिम संस्कार से बात की प्रक्रिया निभाने के नाम पर पास बनवाया अमन मणि त्रिपाठी ने और 11 लोगों को अपने साथ लेकर वो निकल पड़े। अमन मणि त्रिपाठी जो हैं, वो बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने की इजाजत दी गई थी उन्हें। रास्ते में एसडीएम वैभव गुप्ता ने चमोली से अमन मणि को वापस लौटाया और फिर लौटते वक्त ऋषिकेश में अमन मणि को गिरफ्तार किया गया। देखिए, अमन मणि त्रिपाठी को रोकने वाले अधिकारी का कहना है कि अमन मणि त्रिपाठी 3 गाड़ियों के साथ यात्रा कर रहे थे और स्क्रीनिंग के लिए रोके जाने पर अधिकारियों से बहस भी कर रहे थे। विधायक जी उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आए थे, करीब 8 लोग उनके साथ थे, 3 गाड़ियां थी। तो यहाँ पर ये गौचर बैरियर पर इनको रोका जाता है, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है जो भी चमोली जिले के अंदर आता है। तो वहाँ पर डॉक्टर की टीम है और पुलिस प्रशासन की टीम रहती है, तो वही इनको रोका गया था, उनसे पूछा गया था। इनको बद्रीनाथ तक जाना था तो, लेकिन इनके द्वारा जो जाँच हो रही थी वहाँ पर, उसमें इनके साथ इनके द्वारा सहयोग नहीं किया गया और इनको रोक देने के बाद भी ये बैरियर क्रॉस कर गए और आगे कर्ण ट्रैक तक पहुँच गए थे। फिर बाद में हमारी जानकारी मैंने आने पर हमने पुलिस से बोल के इनको वहाँ रुका दिया। समझाया गया कि बद्रीनाथ में जाने का अभी कारण भी नहीं है कि यात्रा भी बंद है, तो ये थोड़ा सा मानने को तैयार नहीं, थोड़ा नाराज़ थे, काफ़ी समझाया गया। उसके बाद में थोड़ा सा इनका जो पुलिस और डॉक्टरों की टीम के साथ थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट भी हुआ था इस बात को लेकर। बाद में इनको समझाया गया तो काफ़ी समझाने के बाद ये फिर वापस चले गए। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी रणवीर सिंह मौजूद हैं और साथ ही संजय त्रिपाठी भी मौजूद हैं। रणवीर का पहले रुक कर लेते हैं और जानते हैं रणवीर से कि रणवीर आखिर किस तरीके से ये पूरा फर्जीवाड़ा जिसे अमन मणि त्रिपाठी ने अंजाम देने की कोशिश की। देखिए, अमन मणि त्रिपाठी महाराजगंज के नौतनवा सीट से विधायक हैं। उनके पिता फिलहाल मधुमिता हत्याकांड में आजीवन कारावास में हैं और उत्तराखंड की जेल में बंद हैं। अमन मणि त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता के पितृकर्म कार्य हेतु ये आवेदन किया उत्तराखंड के प्रशासन को और वहां से एक लेटर अपर मुख्य सचिव की तरफ से, जो ओम प्रकाश हैं, उनकी तरफ से लेटर जारी हुआ और देहरादून के अधिकारी की तरफ से उनको पास जारी हुआ। इस पास के सहारे अमन मणि अपने 11 और सहयोगियों के साथ पहले बद्रीनाथ जा रहे थे। सवाल उठता है कि बद्रीनाथ आखिर वो क्यों जा रहे थे, कपाट तो 15 मई को खुलेंगे, और साथ ही मुख्यमंत्री के नाम का उन्होंने उपयोग कैसे किया, क्योंकि न वो योगी आदित्यनाथ जी के परिवार के हैं, न उनकी पार्टी के हैं और न ही गोरखनाथ मंदिर से जुड़े हुए हैं। ऐसे में आखिर उनका क्या हक बनता है कि वो बद्रीनाथ और केदारनाथ जाएं और वहाँ कौन सी प्रक्रिया करने जा रहे थे। उसके बाद जब स्क्रीनिंग के लिए उनको रोका जाता है तो अधिकारी से बदसलूकी करते हैं, धौंस दिखाते हैं कि वो विधायक हैं, तो इस तरह के तमाम सवाल हैं। और जब मुख्यमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी से हमने बात की तो उन्होंने ये कहा कि ये सीधे सीधे दुरुपयोग का मामला है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने उनको कोई ऐसा अधिकार नहीं दिया है, न ही मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई आवेदन उत्तराखंड के प्रशासन को दिया गया था। ऐसे में आखिर अमन मणि त्रिपाठी किस हक से, किस अधिकार से उत्तर प्रदेश से यात्रा करके उत्तराखंड पहुँच जाते हैं और कर्णप्रयाग तक जाते हैं। जब एसडीएम ने रोका, अगर एसडीएम ने रोककर स्क्रीनिंग की बात नहीं की होती तो शायद ये मामला भी सामने नहीं आता, लेकिन अब चिट्ठी सामने है। और उसके बाद जब वो वापस लौट रहे थे कर्णप्रयाग से, तो ऋषिकेश के मुनिका थाना क्षेत्र में उनको रोका गया, मुकदमा किया गया आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत, और उसके बाद 2 घंटे तक रखने के बाद नीची मुचलके पे उनको रिहा कर दिया गया है। तो बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री के नाम का दुरुपयोग एक निर्दलीय विधायक क्यों कर रहा है। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच हमारे साथ देखिए राकेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं जो यूपी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। ये फर्जीवाड़ा जो सामने आया है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर जो विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने किया है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया। नहीं, ये खबर सुनकर के हम भी हतप्रभ हैं
कि कोई विधायक किस प्रकार से कैसे नियमों को और कानूनों को तोड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने पूर्वाश्रम के पिता के निधन के बाद वो उन्होंने अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया। वो स्वयं नहीं वहां पर गए, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनके वहां जाने से लॉकडाउन के तमाम नियमों का उल्लंघन होगा, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए समस्याएं बढ़ेंगी, इसलिए उन्होंने नियमों का पालन करते हुए वो लखनऊ में बने रहे। लेकिन कोई विधायक इस प्रकार से नियमों को तोड़ करके अगर वहां जाता है तो निश्चित तौर पर ये चिंताजनक है। और ये इतना भी चिंतनीय है कि उत्तराखंड सरकार ने किस प्रकार से इनको परमिशन देने का काम किया है, कौन अधिकारी है जिन्होंने ये पत्र बनाया है, आखिरकार ये परमिशन मिल कैसे गई, क्योंकि ना तो ये परिवार से है और ना ही उस दौरान कपाट खोले हुए थे बद्रीनाथ केदारनाथ की, जहां जाने की इन्हें परमिशन मिली, इन्हें परमिशन मिल कैसे गई? क्या आपने रसूख कर उन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल किया? क्या उत्तर प्रदेश सरकार में भी किसी ने इनकी मदद की उत्तराखंड सरकार से परमिशन दिलाने के लिए? ये सब मामला तो जांच का बनता है राकेश जी, मेरे ख्याल से बिल्कुल मैं सहमत हूं कि इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए कि किन अधिकारियों ने किस परिस्थितियों में इनको ये अनुमति जारी की है, ये अनुमति वास्तविक है या अनुमति फर्जी है, इस बात की भी जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह की अनुमति जारी करने का कोई मतलब नहीं बनता है, कोई अर्थ नहीं बनता है। ऐसी परिस्थिति में जब पूरा देश लॉकडाउन का पालन कर रहा है, जब स्वयं मुख्यमंत्री जी ने इस लॉकडाउन का पालन करते हुए वो असाधारण परिस्थिति में भी उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है, तब ऐसे में अगर कोई विधायक अगर मौज मस्ती के लिए या घूमने के लिए इस तरह के दुरुपयोग करता है तो निश्चित तौर पर चिंताजनक है। इस पूरे मसले की जांच होनी चाहिए और जांच के बाद गाड़ियां लेकर अपने साथ पूरा गाड़ियों का काफिला लेकर 11 लोगों को साथ में लेकर वो निकले थे, ऐसे में सवाल बड़े हैं और मुझे लगता है इसकी पूरे मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। क्या मुख्यमंत्री जवाब तलब करेंगे विधायक से? निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी से बंधे हुए नहीं है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री का नाम का उन्होंने दुरुपयोग किया है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार को भी इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। समर्थन देते रहे ना सीएम साहब को, खुलकर समर्थन देते रहे? बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी उनसे न किसी प्रकार के समर्थन की अपेक्षा करती है न उनसे कोई समर्थन लेती है। ये स्पष्ट तौर पर वो निर्दलीय विधायक हैं और पहले उनको समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट घोषित किया था, वो उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई सीधा संवाद नहीं इस तरह का, और उन्होंने अगर दुरुपयोग किया है तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई बनती है और सरकार को उन पर कार्रवाई करनी। लगता है कि ये कोई साजिश हो सकती है राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की? देखिए, ये तो जांच के बाद ही तय हो पाएगा कि किन परिस्थितियों में उनको अनुमति दी गई है या वो अनुमति के भी फर्जी कागज बनाए गए हैं, ये सारी बातों की जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो भी तथ्य निकल करके आएंगे उन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश त्रिपाठी जी हमसे बात करने के लिए। हम उम्मीद यही करेंगे कि इस मामले में गहराई से जांच हो ताकि कम से कम सच सामने आ पाए, क्योंकि मामला बड़ा है, मामला गंभीर है। लॉकडाउन में बाकायदा परमिशन ले लेते हैं उत्तर प्रदेश के विधायक अमन मणि त्रिपाठी और पहुंच जाते हैं उत्तराखंड, ऐसे में एबीपी न्यूज के ये सवाल, सीएम के नाम पर एमएलए ने कैसे कर दिया फर्जीवाड़ा? ये तो बड़ा मामला है ना, बड़ा गंभीर मामला। अमन मणि ने योगी के ना तो वो रिश्तेदार हैं ना पार्टी के हैं, फिर पास आखिरकार कैसे बनवा लिया उन्होंने, वो भी पितृ कर्म कार्य हेतु। बद्रीनाथ का कपाट 15 मई को खुलेगा, फिर बद्रीनाथ का पास कैसे बनवा लिया उन्होंने? ये वो तमाम सवाल जिनके जवाब देश जानना चाहता है। पास जारी करने वाले अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। संजय, तो ये लैप्स शुरुआती नजर में उत्तराखंड सरकार की तरफ से देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि पास तो वहीं से जारी हुआ। बिल्कुल रुमाना, लेकिन आप गौर करें तो ये जो पास जारी हुआ है 2 मई को जारी हुआ और 7 मई तक का इसमें डेट है कि ये 4 दिन का मूवमेंट उनके बीच में, वो देहरादून से श्रीनगर जाएंगे, श्रीनगर से बद्रीनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ से केदारनाथ जाएंगे और केदारनाथ से वापस देहरादून का है। 3 गाड़ियों का पास है, 11 लोगों का पास है। 3 गाड़ियों में 2 गाड़ियों के नंबर लखनऊ के हैं, 1 गाड़ी का नंबर देहरादून का है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर किसी एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए पास जारी होता है तो वो शासन स्तर से होता है, यानी कि अगर यहाँ से 2 गाड़ियों के पास जारी हुए हैं और यहाँ से इन लोगों के मूवमेंट के पास जारी होते हैं तो लाजमी बात है कि यहाँ से भी शासन स्तर से ये पास बने होंगे। और जहाँ तक उत्तराखंड सरकार की बात करें तो वहाँ के जो अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश हैं उनसे बात हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि जो पास जारी हुए थे, हमारे पास तमाम तरह के लोग आते हैं और ये माननीय विधायक हैं उत्तर प्रदेश के, और ऐसे में अगर ये आते हैं और कोई अनुरोध करते हैं तो पास उनके स्तर से जारी नहीं होता है, ये पास जिलाधिकारी के स्तर से जारी होता है। और उन्होंने यही रिकमेंडेशन जिलाधिकारी को भेज दी, पास जिलाधिकारी के स्तर से जारी हुआ है, तो वो किसी न इस तरीके से पूरा पल्ला झाड़ रहे हैं कि उन्होंने पास नहीं जारी किया है, डीएम के स्तर से पास जारी हुआ। और उनको ये देखना चाहिए था कि अगर बद्रीनाथ या केदारनाथ के कपाट नहीं खुले हैं और फिलहाल इस वक्त जाने की परमिशन किसी को नहीं है तो फिर ये पास कैसे जारी हुए।
तो ओम प्रकाश पूरी तरह से इस मामले से किनारा काट रहे हैं। उनका कहना है कि ये पास उनके स्तर से जारी नहीं हुए हैं। तो जांच के दायरे में दोनों राज्य आते हैं, यूपी भी आता है, क्योंकि यहां से उत्तर प्रदेश की दो गाड़ियों के पास जारी होते हैं और अमनमणि त्रिपाठी और उनके कुछ साथियों के पास भी यहां जारी होते हैं, जिससे कि वो एक राज्य से दूसरे राज्य का मूवमेंट कर सके। जी रोमाना, आप रहिए मेरे साथ। और इस बीच देखिए, फेसबुक पर, सोशल मीडिया फेसबुक पर अमनमणि त्रिपाठी की तस्वीरें भी शेयर की गई थी। ये हैं वो तस्वीरें जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। ये अमनमणि त्रिपाठी को आप देख रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ के पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने से जुड़ी तस्वीरें बताकर पोस्ट की गई सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर। अब इनमें कितनी सच्चाई है ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में अमनमणि त्रिपाठी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में भी वो नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल आरोपों के घेरे में है विधायक अमनमणि त्रिपाठी। बहुत बहुत धन्यवाद रणवीर, संजय, आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए।